नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड इनकी क्वेरीज के आंसर देने वाला रहूँगा। तो यहाँ पर आपकी एज 54 है और अभी आने वाले फ्यूचर से रिलेटेड आपकी मेन क्वेरीज हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं लाइफ लाइन के फ्लोप के ऊपर। तो यहाँ देख पाएंगे कि तकरीबन 54 के लमसम के आसपास से ही आपका जो है ऑफ शूट, ये जो निकला हुआ है, ये 56 एज यहाँ डिनोट अगर हम करेंगे तो निकल के आएगा 55 से 56 के बीच में, और उसके अधी रेखा सीधे बाहर की ओर जा रही है और एक रेखा अंदर की ओर भी आ रही है। तो अब जो है आने वाले टाइम में आपके ट्रैवलिंग होने के चांसेस सबसे ज़्यादा ब्राइट है। फॉरेन विजिट करने के चांसेस कहें या जन्म स्थान से दूर रहने के चांसेस कहें, फैमिली के ऊपर फोकस करना, फैमिली में इन्वेस्टमेंट करना, कहीं और इन्वेस्टमेंट करना फ्यूचर टर्म्स को लेकर के, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है घर में उसका भला हो सके। तो वो सारे योगाज यहाँ देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो फेट लाइन है वो भी आपको सपोर्ट अच्छा कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखेंगे आप तो ये 54 के बाद से फेट लाइन यहाँ अप्रोक्स स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर डबल ट्रिपल लाइन चल रहा है, इट मीन्स एक से ज़्यादा माध्यमों से अर्निंग होने के चांसेस भी हैं। तो ओवरऑल जो भी ड्रीम डिज़ायर है आपका, वो सब कंप्लीट होने के चांसेस यहाँ 53 के एज से ही देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखें तो अभी आगे चल करके और अच्छी ग्रोथ डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। उम्र जो है अभी अच्छी खासी आप और ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, 70 क्रॉस यहाँ इंडिकेट हो रहा है। अगर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं कि आपकी फेड लाइन इंप्रूव होकर के चल रही है। और जब मल्टीपल लाइन चलती है तो मल्टी थॉट्स एक समय पे आता है, जैसे कि कंपनी चेंज करने का, जॉब प्लेसमेंट का, या कुछ और नया ट्राई करने का, ऐसे मल्टीपल थॉट्स आते हैं। लेकिन जब एक से ज़्यादा शनि पर रेखा भी हो तो ये एक से ज़्यादा माध्यमों से अर्निंग को भी इंडिकेट करता है। तो इसलिए यहाँ चांसेस तो कुल मिलाकर के मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा है आपके जॉब के चेंजेस का, बट ये है कि कुछ प्रोग्रेस आपको अपने करंट जॉब में देखने को मिल सकता है। और कुल मिलाकर के माइंड जो है आपका, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अभी के टाइम में कंफ्यूज्ड और बहुत ज़्यादा भागने वाला रहेगा, क्योंकि मल्टीपल्स लाइन है तो मन एकाग्रचित रह ही नहीं पाता है। और उसमें सन की भूमिका भी है, क्योंकि सन पर जब एक से ज़्यादा रेखा हो तो ये कहीं ना कहीं डाउटेबल थिंग्स या अनसेटिस्फेक्शन को लाता ही है कार्य क्षेत्र में, जिसके कारण मन भटकना, ध्यान भटकना या फोकस में कमी होना, वैसे योग यहाँ देखने को मिलता है। बट यहाँ कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ तब भी अच्छा देखने को मिलेगा क्योंकि फेट लाइन का साथ और ऊपर से प्रोग्रेसिव लाइन का साथ भी यहाँ पर है। तो विद इन 2 ईयर आपको ग्रोथ तो प्रमोशन तो बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। और सेपरेटली मनी के टर्म्स में भी बात की जाए तो ये धन की ही रेखा है, तो धन संपत्ति कोई परेशानी नहीं आएगी। मरकरी लाइन भी फिलहाल के टाइम में डेवलप्ड अच्छा चल रहा है, तो धन अभी और अच्छा आएगा, कमाएंगे भी, और इंडिया से बाहर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हालांकि ब्राइट हैं, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट जो रेखाएँ हैं वो आपके चंद्र से कनेक्टेड हो रही हैं। तो ये सब के सब आपको कहीं ना कहीं फॉरेन से कनेक्शन तो देगी ही, जरूरी नहीं है कि आप फॉरेन ही जाए, लेकिन फॉरेन कंपनी से रिलेटेड या फॉरेन से रिलेटेड कोई ना कोई वर्क आपको करने के योग भी विद इन 2 ईयर्स देखने को मिल रहे हैं। फिर इसके बाद एक क्वेरी है कि बिज़नेस सही रहेगा कि सर्विसेज। तो देखिए, बिज़नेस वाला पाम आपका ज़्यादा है। एक तो यहाँ रीज़न मैं बता देता हूँ आपको कि आपका हाथ में नीचे का एरिया सबसे ज़्यादा डेवलप है, और नीचे से जब डेवलपमेंट देखने को मिलता है तो आप जैसे लोगों में एक प्रकार से कह सकते हैं कि मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन बहुत बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। तो वो एक जॉब के माध्यम से पूरे होने के चांसेस नहीं होते। और ऊपर से अगर यहाँ पर आपकी सूर्य की रेखा सिर्फ एक सिंगल इतनी भी होती और सूर्य माउंट स्ट्रांग होता, सैटर्न माउंट स्ट्रांग होता, तो बिल्कुल आप सर्विसेज सेक्टर में जाते तो आपको ग्रोथ मिल सकता था बहुत अच्छा। लेकिन इसमें ये ही है कि जब एक प्रकार से मन ही नहीं लग रहा है सर्विसेज में, तो ग्रोथ कहाँ से मिलना है। सिंपल लॉजिक ये यहाँ पर लगाया गया है। अदरवाइज़ अगर फेट लाइन की भी बात की जाए तो फेट लाइन भी इतना ज़्यादा स्ट्रांग आपका है नहीं, वो अभी जा करके स्ट्रांग हुआ है, तो ये ज़रूर इंडिकेट कर रहा है कि यस अभी प्रमोशन के चांसेस है। बट जितना अच्छा आपका मरकरी माउंट है उतना अच्छा कोई भी माउंट नहीं है। ये माउंट भले ही कम एरिया ले रहा है, लेकिन इसकी एक से ज़्यादा रेखा सीधे बताती है कि आप बहुत ज़्यादा मीठी बोली वाले इंसान हैं। अपने बातों से दूसरों को कन्विंस अच्छा कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, हंसमुख का हास्य का भी नेचर देखने को मिलता है, लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं। तो बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि ये बिज़नेस को ही इंडिकेट करे, लेकिन जितने भी बिजनेसमैन हैं सबके पाम में यहाँ बुध माउंट पर मल्टीपल्स लाइन है, और ऊपर से मरकरी लाइन भी डेवलप्ड होकर के चल रही है। माइंड लाइन से आपकी जो रेखाएँ हैं उसका भी इन्फ्लुएंस बुध की तरफ आ रहा है। जब इस प्रकार की रेखा उठ के बुध की तरफ जाती है तो कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस किसी बिजनेसमैन के द्वारा ज़्यादा होंगे, और वहीं बिजनेस में आपका माइंड भी बहुत अच्छा चलेगा। तो ओवरऑल जो ग्रोथ है बिजनेस में बहुत अच्छा है, जैसे कि आपका चंद्र का क्षेत्र इतना ज़्यादा डेवलप है, तो अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और बेसिकली यहाँ पर होटल से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, जल से रिलेटेड,
काम करें उसमें सफलता मिलेगा। शुक्र डेवलप है जो अपोजिट जेंडर की ओर थोड़ा अट्रैक्ट भी करता है और वहीं लग्जरीज लाइफ की ओर अट्रैक्ट भी करता है, रॉयल्टी भी अच्छी मेंटेन कर पाते हैं, तो इससे रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, जैसे कॉस्मेटिक हुआ, कपड़े हुए, फीमेल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स हुए, लग्जरीज हुए, इन सब से रिलेटेड। बाहरी मंगल आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत और सहनशीलता देगा, तो आप बिल्कुल इसमें आँख मूंद के जाइए, आपको बिल्कुल जो है सक्सेस अच्छा मिलने वाला है, कोई कमी नहीं रहेगी इसमें, और बेसिकली सेटिस्फेक्शन भी इसमें अच्छे से मिल पाएगा। जहाँ तक बात करें वाइफ या चिल्ड्रंस की, तो यहाँ सिर्फ ये दिख सकता है कि इनसे सपोर्ट मिलेगा या नहीं, बाकी सारी चीज़ें उनके पाम के अकॉर्डिंगली ही ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे आपका गुरु डेवलप्ड ठीक है, शुक्र अच्छा डेवलप है, तो ये मैट्रिमोनियल लाइफ सेटिस्फाइड इंडिकेट करता है, ज़्यादा ट्रबल नहीं होता। और जैसे गुरु अच्छा होना ज़्यादा ज़रूरी है, और गुरु पर आपका स्क्वायर का साइन भी है, तो इस कारण से बच्चों से भी आपको सुख अच्छा देखने को मिलेगा, और कुल मिलाकर के जो सपोर्ट सिस्टम है बच्चों का भी हुआ, या कह सकते हैं कि एक प्रकार से उनका आपके प्रति स्नेह प्रेम लगाव बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, उसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं है। तो फैमिली लाइफ और मैरिड लाइफ को लेकर के आप फुली सेटिस्फाइड अपने लाइफ में रहेंगे। तो जहाँ तक बात करें प्रॉपर्टी को लेकर के भी, तो अभी जैसे सक्सेस लाइन यहाँ पर आपकी निकली है, एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ भी देखने को मिल रहा है, तो कुल मिलाकर के प्रॉपर्टी के चांसेस तो फिलहाल देखा जाए तो ब्राइट है, ऐसा कोई सपोर्टिव लाइन यहाँ चल नहीं रहा है, लेकिन तब भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। शेयर मार्केट आपको दिक्कत दे जाएगा, तो शेयर मार्केट में आप करिए बिल्कुल, उसमें कोई मना ही नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा एहतियात बरत के सोच विचार के, और बहुत कम अमाउंट में अगर हो सके तो स्टार्ट करके प्रैक्टिकल देखिए, अदरवाइज शेयर मार्केट से इतना ज़्यादा बेनिफिट शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। और जहाँ तक बात करें हेल्थ को लेकर के, तो बहुत स्मूथ लाइन आपकी जो है यहाँ पर लाइफ लाइन हुई है, फेट लाइन हुई है, हार्ट लाइन भी इवन ऑन स्मूथ चल रही है, तो हेल्थ रिलेटेड कोई मेजर प्रॉब्लम इशू आपको रहेगा नहीं। और ऊपर से मरकरी लाइन भी स्ट्रांग है, तो ये भी अपने आप में स्वास्थ्य यहाँ सुधारक रेखा भी है, जो हेल्थ में अच्छा इम्प्रूवमेंट करता ही है। और जहाँ तक रही नेम फेम की बात, तो देखिए नेम फेम तो आपको बिजनेस के द्वारा ही मिल सकता है, सर्विसेज के द्वारा नहीं मिलेगा। और वैसे देखा जाए तो थर्ड फिंगर की लेंथ भी अच्छी है, तो सोसाइटी में स्टेटस आपका अच्छा रहने वाला है। तो नेम फेम के लिए आप कोई बिजनेस करें, पार्टनरशिप में आए, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आप एम्प्लॉयमेंट दूसरों को देने लगे, तो आपका जो नेम फेम होगा उसका रीज़न सिर्फ होगा बुध, और बुध होता है वाणी का कारक, तो वाणी सबसे ज़्यादा मशहूर हो पाती है व्यापार के द्वारा ही, तो बिल्कुल इस क्षेत्र से आप कर सकते हैं। जहाँ तक रही स्टोन की बात, तो स्टोन में रिकमेंड नहीं करता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और जहाँ तक रही गाइडेंस की बात, तो देखिए बस मैं इतना कहूँगा कि कोई भी काम आप जल्दबाजी में ना करें, रीज़न ये है कि आपकी फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है पाम के कंपैरिजन में, तो आपके अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा लगता है कि एक ही रात में पता नहीं क्या से क्या कर लें, और कई मरतबा ऐसा भी लगता है कि ट्रेन छूट रहा है, इतना जल्दी काम करेंगे, तो करिए, ये एनर्जी लेवल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज दुनिया पर जो भी राज कर रहा है उसका उनके पाम में दो योग बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, पहला कि जो थंब है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, नहीं तो फिंगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, तो आपके हाथ में थंब इतना स्ट्रांग नहीं है लेकिन फिंगर भी जो है शॉर्ट है, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि एनर्जी लेवल में आपकी कोई कमी नहीं है, जो ठानेंगे सो वो करके दिखाएंगे और किसी चीज़ से आप डरेंगे नहीं। लेकिन होता ये है कि जल्दबाजी हड़बड़ी में वो दूरदर्शिता जो रहती है वो फिर नहीं देखने को मिलता, और इस कारण से जल्दबाजी में जो है कई मरतबा नुकसान भी कर बैठते हैं। इसीलिए सोच विचार के काम करें, सहनशीलता या पेशेंस लेवल अपने अंदर बढ़ाएं, और एक प्रकार से यहाँ देखेंगे तो थंब शॉर्ट है, तो ये क्या करता है कि बेसिकली टू द पॉइंट बात करना सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं आप, तो वो एक जो जड़ है वो जड़ पकड़ नहीं पाते किसी भी चीज़ का, और अपने ही कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में फिर ज़्यादा रहने लगते, क्योंकि सूर्य पर भी मल्टीपल्स लाइन है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की चीज़ों को कोशिश करें और थोड़ा डिटेल में जाएं, और पेशेंस लेवल अगर आप रखेंगे तो मेरे हिसाब से आप कभी भी जो है कुछ ऐसा आपके द्वारा नहीं होगा जो आपको कभी इन फ्यूचर दिक्कत दे दे। बाकी ओवरऑल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों का जहाँ तक बात है तो बच्चों से सुख मिलेगा, कोई प्रॉब्लम उनके लिए भी यह नहीं है। जहाँ तक बात करें आपके लेफ्ट पाम पे, तो लेफ्ट पाम पर भी देखेंगे जो फेट लाइन है, कुल मिलाकर के चली अच्छा, लेकिन इतना ज़्यादा फेडेड होकर के चली कि लाभ नहीं मिल पाया। जो मेन लाभ आपको लाइफ में देखने को मिला है वो 34-35 के एज से देखने को मिला है, और अभी आने वाले टाइम में और ज़्यादा मिलेगा, यानी 54 प्लस एज के बाद से। ओवरऑल देखें तो मरकरी लाइन स्ट्रांग होकर के चल रहा है, तो बिजनेस में आने के चांसेस ब्राइट है, और सूर्य की रेखा भी यहाँ पर स्ट्रांग है, तो नेम फेम की जो बात कर रहे थे उसके चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।